चीन के दबदबे को कम करने के लिए भारत अहम कदम उठा सकता है। भारत वियतनाम के साथ ट्रेड और मिलिट्री संबंध बेहतर कर रहा है। इसी कड़ी में भारत वियतनाम को जमीन से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल आकाश को बेचने की तैयारी कर रहा है। इस डील को लेकर दोनों देशों में बातचीत भी चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि एशिया पैसिफिक में बढ़ रहे चीन के दबदबे को कम करने के लिए भारत ये कदम उठा रहा है। दरअसल चीन एनएसजी में भारत की एंट्री में अड़ंगा लगा रहा है और जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर बैन को लेकर लगातार भारत का विरोध कर रहा है। चीन के इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत चीन के पड़ोसियों के साथ संबंध बना रहा है। जापान और वियतनाम के साथ भारत की रणनीतिक और सैन्य साझेदारी को इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक भारत और वियतनाम के बीच आकाश मिसाइल को लेकर बातचीत चल रही है। इससे पहले भारत ने वियतनाम को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और स्वदेशी पनडुब्बी रोधी टॉर्पेडो वरुणास्त्र भी देने की पेशकश कर चुका है। भारत इस साल वियतनामी फाइटर पायलटों को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स पर ट्रेनिंग भी कराने वाला है। गौरतलब है कि भारत और वियतनाम के बीच जुलाई 2007 में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने को लेकर समझौता हुआ था। इसके बाद सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान इसे विस्तार दिया गया था।